दायरा बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। और अल्लाह उसके रसूल की बात बड़ी सीधी सादी होती है। ये तो समझाने वाले जो दारुल उलूमों के होते हैं ना बेचारे, ये डंडी मारते हैं, अल्लाह की कसम डंडी ये मारते हैं। अगर ये सीधी सादी बात, अल्लाह की बात, रसूल की बात समझा दें कि भाई अल्लाह के नबी ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह की कसम पूरी दुनिया मुसलमान हो जाए, पूरी दुनिया तौहीद परस्त हो जाए, पूरी दुनिया के अंदर सुन्नत का दबदबा और गलबा हो जाए, पूरी दुनिया अहादीस रसूल को समझने लगे। ये नहीं समझने देते हैं। क्यों? इसलिए कि ये मुफ्ती ये सोचता है मेरी दाल रोटी खत्म हो जाएगी, मेरी रोटी रोटी का चक्कर मिट जाएगा। हम ये कहते हैं, लोग पाबंदियां लगाते हैं कि लोगों फलानी किताब मत पढ़ो, लोगों फलाने की कैसेट मत सुनो। हमने कहा क्यों लोगों को उल्लू बनाते हो? लोग अब बेवकूफ न रह गए, अब नौजवान तबका तालीम याफ्ता हो चुका है, बुजुर्ग बूढ़े चंद एक बाकी बचे हैं, चंद दिन में वो भी टें हो जाएंगे। अल्लाह से उनके हिदायत की दुआ करो कि तुम मरो तो कम अज कम तौहीद व सुन्नत पर मरो, उनके लिए दुआ करो। लेकिन नौजवान तबका इल्म से माला माल हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, इसे पढ़ने दो, इसे सुनने दो, इसे समझने दो। अब ये अच्छे और बुरे की तमीज करने लगे हैं, जो हक होगा उसे मान लेंगे, जो गलत होगा उसे छोड़ देंगे। अब वो जमाना नहीं रहा अल्हम्दुलिल्लाह, अहादीस के जखीरे मौजूद हैं, इंटरनेट में मौजूद हैं, कंप्यूटर में मौजूद हैं, क्लिक करो कौन सी हदीस सही है, कौन सी हदीस गलत है, कौन सी हदीस ज़ईफ है, कौन सी हदीस मकबूल है, कौन सी हदीस मुनकर है, बटन दबाओ पूरी फहरिस्त सामने आ जाती है। टेक्नोलॉजी का जमाना है, इल्म का जमाना है। और मेरा यह दावा है, जहां जहां इल्म फैलता जाएगा, शिर्क और कुफ्र और बिदात के डेरे वहीं वहीं से उखड़ते हुए जाएंगे, फना होते जाएंगे। ये अल्लाह का फजल है, इल्म की रोशनी जहां जाएगी, शिर्क और बिदात की तारीखियां मिटती जाएंगी और मिट रही अल्लाह के फजल करम से। तो हमें चीखने और चिल्लाने की जरूरत नहीं है, बड़े अदब से, एहतराम से, प्यार से, अखलाक से इन मरीज भाइयों का इलाज करना है। ये मरीज हैं, बीमार हैं, इन्हें नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस का इंजेक्शन दो, सुन्नतों का इंजेक्शन दो। बहुत दूर भागते हैं हदीस सुनकर, सुन्नत सुनकर बिछड़ते, जैसे किसी बच्चे को कड़वी गोली दी जाए तो वो भागता है छुड़ा के माँ की गोद से, ऐसे ही ये भी भागते हैं। लेकिन इनको जरा प्यार से, मोहब्बत से, थपथपा कर, अखलाक से, बड़ा फख्र और गुरूर है, बड़ा नाज है इनको कि हम हैं हक के मतवाले। लेकिन यही दलदलों में फंसे हुए लोग हैं, ये तो खामखा का नाज है और घमंड है। हक वो है जो रब के कुरान में है, हक वो है जो मदीने वाले के फरमान में है, इससे अलग हक हो सकता? और यही निजात का जरिया है, यही कामयाबी का जरिया है। और हक को, कुरान और सुन्नत को मानने का अंदाज क्या होना चाहिए, ये भी मैं आपको बताता चलूं। सिर्फ दावा नहीं, सिर्फ दावा नहीं। अगर बचना चाहते हो जहन्नम की आग से, अगर निजात हासिल करना चाहते हो, तो सुनो, हमारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जो थे, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक नक्शे कदम की पैरवी करते थे, अल्लाह के नबी को देखते थे, अमल करते थे, चलना फिरना सोना जागना मुकम्मल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टू कॉपी करते थे वो लोग। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा फरमा रहे हैं, नमाज अदा फरमा रहे हैं, और जूते में नमाज अदा फरमा रहे हैं, नालेने मुबारक हैं, ऐन नमाज की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जूते उतार दिए। सहाबे कराम मस्जिद नबवी के अंदर हैं, नबी भी मस्जिद नबवी के अंदर हैं, मुसल्ले पे खड़े हैं, जूता पहन के खड़े हैं, सहाबा भी जूता पहन के नमाज पढ़ रहे हैं। एक मसला यहां ये भी सुन लो, जूता पहन के नमाज पढ़ना यहूदियों की मुखालफत है, यहूदियों की, क्योंकि यहूदी इबादत जूते चप्पल उतार के करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए मुखालिफत का हुक्म दिया कि जूता पहन के नमाज पढ़ो। तो अगर जूते के अंदर गंदगी नहीं है, कोई हर्ज नहीं है अगर आदमी उसके अंदर नमाज पढ़े। आज इसलिए जूते उतार दिए जाते हैं कि फर्श है पाको साफ, माशा अल्लाह तबारक अल्लाह, कालीने बिछी हैं, दरिया बिछी हैं, कोई बात नहीं, जूता उतार दो। लेकिन ये भी सुन्नत है, कहीं मौका मिले सहरा में, कहीं जंगल में, बयाबान में, स्टेशन पर, कहीं भी, तो जूता उतारने की जरूरत नहीं है, पाको साफ है, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ लो उसी के अंदर। ये मसला है। अल-मुहिम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जूते उतार दिए, तमाम सहाबा ने देखा, सबों ने जूते उतार दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा,
और देखा कि तमाम सहाबा ने जूते उतार दिए। आपने फरमाया मेरे सहाबा मैं तो नमाज अदा कर रहा था, जिब्रील आए और जिब्रील ने मुझसे कहा ए मेरे नबी आपके जूते नालेने मुबारक में गलाजत लगी हुई है, नापाकी लगी हुई है, गंदगी लगी हुई है, इसलिए आप जूते उतार दिए। मैंने जिब्रील के कहने पर वो जूता उतार दिया, आप लोगों ने क्यों उतारा? सहाबे कराम ने कहा ए मेरे नबी हमें क्या मालूम, हमने तो देखा, हम तो आपको देखते हैं, आप जैसा करते हैं कहते हैं करते हैं वैसा हम करने की कोशिश करते हैं, हमने देखा हमारे नबी ने जूते उतार दिए, हमने भी जूते उतार दिए, आपकी इख्तदा आपकी इत्तिबा और पैरवी की। अल्लाह देख रहे हैं आप, यह है इत्तिबा, यह है इब्तिदा इत्तिबा और यह है इख्तदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। यहां पर यह है, यह जज्बा होना चाहिए कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बात खदास, अब न चूंकि चराकी इसलिए उसलिए नहीं, हम कुछ नहीं समझते, हमारे नबी ने फरमा दिया बात खत्म, यह है जज्बा, यह होना चाहिए। यहां से एक मसला और मालूम हुआ, यहां से एक मसला और मालूम हुआ कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ये जानते कि जूते के अंदर गंदगी लगी है तो आप पहले उसे पाको साफ करते फिर उसके बाद जूता पहन के नमाज पढ़ते या ना पढ़ते वो आपकी मर्जी थी। इससे यह भी पता चला कि हमारे नबी को गंदगी का पता और इल्म नहीं हो सका, नहीं हो सका, वरना अगर कोई ये कहता है कि नबी गैब जानते हैं, नबी छुपी हुई बातों को जानते हैं, नबी आलमे माकाना वमा यकून को जानते हैं, नबी सारी चीजों को सारी उम्मतों के आमाल का मुशाहिदा फरमाते हैं, नबी हर जगह हाजिर और नाजिर हैं, कहां क्या हो रहा है, किसने क्या खाया है, सब अल्लाह के नबी जानते हैं, बताओ ऐसा आदमी नबी का पैरोकार और नबी से मोहब्बत करने वाला हो सकता है या नबी का गुस्ताख हो या नबी के ऊपर इल्जाम लगाने वाला? हमारे नबी अगर कहते हो कि गैर जानते थे सब कुछ जानते थे तो क्या गंदगी लगाकर अल्लाह के नबी जानबूझकर नमाज के लिए खड़े हो जाएंगे? ऐसा हो सकता है? हरगिज हरगिज नहीं हो सकता। तो इसका मतलब यह है कि हमारे नबी पे इल्जाम था, ये बहर यह इल्जाम है, यह एक अलग मसला है। लेकिन यहां पर जिस मसले को हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु की मिसाल सुनो, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबवी के अंदर दाखिल हो रहे हैं, नबी अलैहिस्सलाम खुतबा दे रहे हैं, एक आदमी खड़ा था, आपने फरमाया ऐ जलिसिया फलान, ऐ फलान बैठ जा, ऐ फलान अपनी जगह पे बैठ जा। अब आपकी नजर दरवाजे पर भी थी, अबू हुरैरा आ रहे थे, ये आवाज सुनी, वो जूते में बैठ गए जहां लोगों ने चप्पलें उतारी थी, जूते उतारे थे वहीं बैठ गए, दरवाजे ही पर मस्जिद नबवी के बैठ गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वहीं बैठ गए हैं, कहा अबू हुरैरा मैंने तुझे बैठने के लिए नहीं कहा था बल्कि फला आदमी खड़ा था मैंने उसे बैठने के लिए कहा था। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं अल्लाह के नबी हमें क्या मालूम, आपकी आवाज मुबारक हमारे कान में पहुंची कि बैठ जाओ बैठ जाओ। मेरे दिल ने कहा अबू हुरैरा अगर तू नहीं बैठा तो तेरा अगला कदम मस्जिद नबवी के सहन में नहीं जहन्नम की तरफ चला जाएगा, बैठ जा। मैं तो वहीं बैठ गया। यह है मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज, यह है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और इत्तिबा। यारो ए मोहब्बत रसूल के दावे करने वालों और ए अपने आप को अहले हदीस या अहले सुन्नत कहने वालों, इस तरह का जज्बा पैदा करो कि अल्लाह के नबी वमा आताकुमुर रसूल फखुदू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, रसूल जिस बात का हुक्म दे उसे अपना लो और जिस बात से मना करें उससे रुक जाओ। यह हमारे नबी की अजमत है, यह हमारे नबी का मकाम और मर्तबा है कि शबे मेराज अल्लाह तबारक तआला ने पूरी कायनात को यह बतला दिया और कयामत तक आने वालों के लिए यही अजीमुशान मौजजा दिखला के बतला दिया। नबी फरमाते हैं कि जब मैं बैतुल मुकद्दस पहुंचा और बैतुल मुकद्दस में मैंने देखा कि ठाठे मारता हुआ नबियों का एक समंदर है, हर तरफ सर ही सर नजर आ रहे हैं, मैंने जिब्रील से पूछा जिब्रील ये मस्जिद बैतुल मुकद्दस में ये कौन लोग हैं बैतुल मक़द्दस के अंदर मस्जिद अक्सा के अंदर? जिब्रील ने कहा ए मेरे नबी ये अंबिया अलैहिस्सलाम की जमात है, ये रसूलों की जमात है, आदम से लेकर के हजरत ईसा तक सबके सब हाजिर हैं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी ने फरमाया क्यों हाजिर हैं, क्या बात है? कहा ये नमाज पढ़ने के लिए नमाज का इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैंने कहा इनका इमाम कौन होगा, कौन इमामत करवाएगा? अल्लाह अल्लाह मेरे नबी का मकाम देखो और इस इमामत कुबरा को देखो।